अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राज बख्तियार गोंदल है। मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ और मेरे क्लब का नाम ऑल फ्रेंड्स टेंट पैकिंग क्लब है। हम 7-8 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर इस क्लब का नाम ऑल फ्रेंड्स टेंट पैकिंग क्लब रखा हुआ है। और अरसा 10-11 साल से मैं नेज़ाबाजी के शो के साथ मुंसलिक हूँ। मलिक जावेद साहब जो ये नेज़ाबाजी करवाने जा रहे हैं मैरिया चैम्पियनशिप के नाम से अटक में 18-19 मार्च को, मैं समझता हूं कि ये हम शौकीन हजरात के लिए एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। ऐसे इवेंट जो हैं वो बहुत कम देखने को और खेलने को मिलते हैं। पहले पाकिस्तान में इस किस्म के 3-4 इवेंट हो चुके हैं। इसके बाद घोड़ों के हवाले से मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि घोड़ों के शौक जो हैं, घोड़ों को पालना जो है, ये हम मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र भी है और बाइस सवाब भी है। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत उन सब की ये फेवरेट तरीन जो है वो सवारी रही है और बहुत पाक हैं। जिस जगह पर घोड़े होते हैं वहाँ पर बरकत होती है, उस घर में खैर होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस शौक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कितना ये अच्छा और कितना ये नफीस और कितना मोहब्बत भरा ये शौक है। ये जब आप रखेंगे घोड़ा या घोड़ी अपने घर लेकर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो आपका शौक डेवलप होगा ये अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि ये जो घोड़ा है ये कितना उन्स करता है अपने मालिक से और कितनी मोहब्बत करता है और कितना लॉयल होता है। तो दूसरा, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस इवेंट को ज़रूर देखने आए, इस इवेंट को कामयाब करें। मलिक साहब जो हैं इस इवेंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड बहुत अच्छे लेवल का होगा, पाकिस्तान भर से टॉप क्लास के घोड़े जो हैं वो इस इवेंट में होंगे। टॉप क्लास के जो सवार हैं वो इस इवेंट इनवाइटेड हैं और इनवाइटेड टीम्स होंगी सिर्फ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली आप ज़रूर इस इवेंट को देखने आएँ और आप सब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे और खुश फील करेंगे इतने अच्छे घोड़े देख कर और इतने अच्छे सवार देख कर। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।